ये एक कुमार है, ये कोई हत्यारा नहीं है, ना ही कोई गुंडा है। ये एक आम आदमी है जो सिर्फ बदला ले रहा है, और जिन लोगों को ये मार रहा है उन लोगों ने इसकी माँ और इसके सबसे प्यारे दादाजी को मार डाला, और अब 100 करोड़ की जायदाद के लिए इसको भी मारना चाहते हैं। इसे मारने के लिए इसकी सौतेली माँ और कुमार के पिता ने बहुत कोशिशें की पर कामयाब नहीं हुए। मुंबई से आई एक प्राइवेट कंपनी को कुमार की जमीन के अंदर यूरेनियम मिला, और उन्होंने जमीन के बदले 50 करोड़ का लालच कुमार के पिता और उसकी लालची सौतेली माँ को दिया। पर कुमार के दादाजी ने अपनी वसीयत कुमार के नाम कर दी, और वसीयत के मुताबिक सारी जमीन और जायदाद कुमार के घर वालों को तभी मिलेगी जब कुमार वसीयत अपने पिता या सौतेली माँ के नाम कर देगा। पर कुमार ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए ये कुमार को मारकर उससे जबरदस्ती पेपर्स पर साइन कराना चाहते हैं। कुमार को किसी तरह धोखे से पकड़कर उसकी सौतेली माँ और उसके भाई ने कुमार को पागल खाने में भेज दिया, ये बोलकर कि कुमार पागल है। डॉक्टर्स को पैसा देकर वो उसको बहुत खतरनाक शॉक देते थे। कुमार की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। ये नटेश है, ये भी एक मरीज ही है। इसका जन्म एक बहुत रईस परिवार में हुआ था। इसके घर वालों को जब इसकी बीमारी का पता चला तो इस बेचारे को वो यहां छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। नटेश किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, बस इस जगह रहकर वो और बीमार हो गया था। इसी पागलखाने में कुमार और नटेश की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए, और एक दिन मौका मिलते ही कुमार और नटेश वहां से भाग गए। बचोगे नहीं, मैं छोड़ूंगा। हे, इन्हें बांधने के लिए कुछ नहीं करा। Hey!
नहीं। चल चल भाग। सुनिए 15 मिनट बस रुकेगी, जिसको खाना पीना है खा लीजिए, चलिए चलिए चलिए। ऐसी बात नहीं है शांति, पहले मेरी बात तो सुनो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बस ये बताओ कि ये किस करमजली का बाल है? मेरी बॉस का बाल होगा। ओ, तो बॉस मेरी के बात साथ तो सुनो, कर मेरी रहे बॉस हो? है वो शांति, शांति भला अपनी बॉस के साथ ऐसा क्या कर रहे थे? वो मेरे कंधे पर अपना सर रख के रो रही थी। तुम जाकर उसके कंधे पर रो, निकलो। शांति माय बेबी, और किसे भी लेकर जाओ। शांति बेटी को तो अंदर ले लो। घर वाली से भी कर लिया कर, चैन से दिएगा। क्या हुआ, दरवाजा खटखटाना बंद क्यों किया? मेरे मरने से तुम्हें खुशी होती है ना? ऐसी बात नहीं है शांति, तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। शांति चलो अंदर चलकर रोमांस करते हैं। बैचलर्स लोग हल्ला करते हैं, इसीलिए मकान मालिक शादीशुदा लोगों को घर देता है। मैं भी शादीशुदा हूँ लेकिन मैं बीवी से झगड़ा नहीं करता। पता है यहाँ पर 2 बैचलर्स रहते हैं, हम उन्हें निकाल कर तुम्हें घर दे देंगे। जिसे निकालना निकालो पर मुझे नहीं निकाल पाओगे। अरे भाई साहब ये पता शिशुपाल, ये इज्जतदार तो दूसरे वाले पे वेलकम बैचलर, साथ मिलकर हम सबको बाहर निकाल देंगे। मैदत एक काम करते, इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन सेफ्टी पिन कल्टी मारे तू, जा उधर जा। रुक मैं देखता हूँ, आ जा, हट हट हट, यहाँ बैठ, आराम से बैठ। मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे से कहा है? क्या हुआ? ये मेरी पहली किस्त थी। चालू का ही का? ए गुंडो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चलो जाओ यहाँ से। सॉरी बोल। सॉरी सॉरी बहना, सॉरी दीदी। शिशुपाल का घर कहाँ पे? सामने वाला है। अच्छा ताला लगा है ना? मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने इस घर पे ताला लगा हुआ ही देखा है। और 2 महीने पहले हमने चिट्ठी लिखी थी कि हम आने वाले हैं। देखो ये वाला तो नहीं है। यही तो है। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे हैंडसम डायनेमिक दोस्त शिशुपाल, मैं तेरा दोस्त नटेश बहुत सलाम करता हूँ तुझे, और मैं अपने दोस्त कुमार के साथ किसी भी वक्त तेरे घर पर टपक सकता हूँ, इसलिए घर से बाहर मत जाना। तो जल्दी मिलते हैं। कुछ गलत लिखा क्या, नाम एड्रेस? अरे यार सब कुछ तो सही लिखा है इसमें। तुम एक ऐसे नमूने हो जो आने का खत लिख कर खुद यहाँ आके पढ़ रहे हो। मुबारक हो, काफी समझदार हो। बाय, अब दरवाजा मत खटखटाना। पता नहीं यार कहाँ चला गया। कितनी अजीब बात है ना यार, बच्चे तो शेर से डरते हैं लेकिन जब तू शेर बनता है तो सब तेरे साथ नाचते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, ये लोग असली इंसान से नहीं उसके बदले हुए रूप से प्यार करते हैं। नोबडी सुस्विंग है, कोई नहीं है, मम्मी प्रॉमिस। मकान मालिक से बचने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे यार चढ़ जा। चल अच्छा हुआ कि मैं स्कूल में एनसीसी में था, वो यहाँ वहाँ चढ़ाते रहते थे तो आज काम आ रहा है। पहुंच गया, इट इज सो हॉट। ओ इज स्लीपिंग इन माई रूम ओढ़िंग माई चादर। अरे शिशुपाल कैसा है तू मेरे दोस्त? स्लो स्लो बोल, अब बोल। हे शिशुपाल मेरे दोस्त, कैसा है रे तू? मेरा हाल जानकर क्या करेगा है? तुम लोग अंदर कैसे आए बता?
तेरे ही रास्ते से। अच्छा ये बोल, तूने बाहर ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? आई एम नॉट, मकान मालिक ने ताला लगाया। क्या तूने किराया विराया नहीं दिया? अरे किराया दिया था, सोने की अंगूठियां नहीं दिख रही क्या? बिल्डिंग में बहुत जवान लड़कियां हैं, बैचलर्स को कमरा नहीं देते, इसलिए मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। यहाँ जवान लड़कियां रहती हैं क्या? ये कौन बोला? अब्दुल कलाम भी बैचलर थे, अन्ना हजारे भी बैचलर, भगत सिंह भी बैचलर थे। देश के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। किराए पर कमरा तो लिया होगा, जाओ मालिक से कह दो। ओए कहाँ खो गया, सुनिए इसकी बात। हाँ हाँ, आई सुनिंग। ए, लेकिन ये है कौन, ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? मैं भी तुम्हारा दोस्त। अरे मेरा दोस्त कैसे हुआ बता? मेरे दोस्त का दोस्त दोस्त हुआ ना मेरा। अरे और नहीं तो क्या, फेसबुक पे ऐसे ही तो दोस्त बनते हैं। अरे रे, मेरी किस्मत में शनि बैठा है, एक तो खिड़की से घर में घुस गए, मकान मालिक को पता चला तो वो मुझे तो क्या, मेरे साथ तुम दोनों को भी जेल में डलवा देगा। एक दिन पूरी दुनिया को हमारे महान कार्य का पता चल जाएगा। होल दुनिया? क्या एम आई मैड? थोड़ा बहुत। अरे रे बेवकूफ सुन, तू तो 10वीं फेल है। सर आप कहाँ तक पढ़े? छठी तक। पास या फेल सर? पढ़ रहा था ना। मींस ड्रॉप आउट? सही पकड़े हो। ओहो, पढ़ाई छोड़कर क्या गोटी खेल रहे थे? मैं गांव में गणेश जी की मूर्ति पर जल चढ़ा रहा था। ए यू टू सिट अप। आई सेड ना सिट अप। क्या कर रखा मत फाड़, मकान मालिक सुन देगा तो। बंद करो और निकलो यहाँ से, डंडे से ऐसे मारूंगा ना। आधी रात को चोर की तरह घुसाए और मुझ पर दादागिरी करते हो, मुझे बताते हो क्या करना है क्या नहीं करना है? मैं पागल हूँ क्या? ए तुम दोनों के टॉर्चर से अच्छा है मैं अपने मकान मालिक का टॉर्चर सह लूं। ए टेल मी वन थिंग, कोई तेरी तरफ क्यों देखेगा? एक भी आदमी तेरी तरफ मुड़ के भी देख लेना तो माय नेम इज नॉट चिचुपाल। आया बड़ा आदि इरादे ने को छोड़ के। तो अपने आप को बड़ा समझना कोई गलत नहीं है। आहा पूरी बात सुन ले। मैं क्यों सुनूं इसको मैं क्यों सुनूं? क्या ये कोई मंदाकिनी है सुन वाली जो मैं इसको सुनूं? मेरे शिशु मेरी बात तो सुनो। मेरी एक भी बात नहीं सुननी है छिंगुर, सुबह होने से पहले यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ वरना लाठी से मारूंगा। रात और दिन दिया जले जलाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में आए हैं महान काम करने के लिए। महान काम तो मैं रोज सुबह करता हूँ। टू काम टूर पीपल। Owner, what's happening here? Oh. अरे दादी, उन दोनों ने तो दीदी का मटका फोड़ दिया। दरवाजा कौन पीट रहा है? अरे आप अंदर चलिए ना, आप क्यों बाहर आ गए? चलिए अंदर। तारीफ कोई? ए कौन हो तुम लोग और झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेरी सारी बाल्टियां तोड़ दी, ये है उबर है। अरे आप तो भीग रहे हो, चलिए अंदर। पता नहीं कहां कहां से गुंडे आ जाते हैं, मैंने कहां से बात कर दी। उबर हटो, अंदर चलिए। कौन था तुम्हें और क्यों झगड़ा कर रहे हो? आप चलिए ना। झगड़ा ही करना है तो बाहर जाके तरो ना, इधर हमारा दिमाग खराब करते हो। ये देखो क्या कर रहा है। क्या हो गया? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? क्या कहा था तुमने कि एक आदमी भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा, यही कहा था ना तुमने? नजर उठाकर देख लो। इतनी गौर से हमें देख रहे हैं, ये भी भूल गए कि बारिश हो रही है। सिर्फ 5 मिनट में हमने अपने आप को साबित कर दिया, अब अंदाजा लग गया कि हम क्या कर सकते हैं। काका, से कब जाने वाला है? काका, only 1 minute give me, I will get out them. मैं तेरी बात कर रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं काका, नहीं। हो ना हो, इसमें कोई ना कोई क्वालिटी है, लेकिन राजा वाली क्वालिटी। राजा वाली क्वालिटी, इसकी नाक देख। नाक तो लॉन्ग छे काका। ये दोनों छोकरे बहुत काम के लगते हैं, इनके साथ रह के इनको बिगाड़ मत, जा यहाँ से भाग। वाई मी गो काका। सुनिए जी, पता नहीं ये लोग कहाँ से। मेरे साथ जबान मत चला, जो मैं कहता हूँ वो सही होता है, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं घर से नहीं जाऊंगा काका। ये लोग कौन है माँ? जाकर अपने पापा से पूछो। ए गांधी, तू जानते हो क्या इन्हें? अभी तक ठीक से शांति को नहीं जान पाया, उन्हें क्या जानूंगा। इन्हें कमरा किराए पे किसने दिया माँ? तुम्हारे पापा मुझसे पूछकर कमरा देते हैं ना। उनसे कहो ज्यादा होशियारी ना दिखाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल रास्ता छोड़ के खड़ा ले। दीदी आपको पता है कल रात यहाँ पे झगड़ा हो रहा था। इस शहर को क्या हो रहा है, कोई भी घुस जाता है। दीदी उन्होंने आपके सारे मटके फोड़ दिए। कौन है वो? वो ऊपर शिशुपाल अंकल के यहाँ दो गुंडे रहने आए हैं।
शिशुपाल, ओ शिशुपाल, इडियट, बाहर निकल। वो दोनों बहुत खतरनाक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इतना हंगामा किया और मेरे सारे मटके तोड़ दिए। इसकी क्या गारंटी कि वो किसी दिन दरवाजे या खिड़कियाँ नहीं तोड़ेंगे? हे एंजल, आपको क्या हुआ? आप इस तरह क्यों खड़ी हैं? उस चिचोरे ने दादी को लिप टू लिप किस किया? हाँ? पप्पम पप्पी, डेड बॉडी को किस किया? ए स्टूपिड शिशुपाल, शिशुपाल बाहर निकल। कमिंग कमिंग। अकल नहीं है क्या? एक तो यहाँ मुफ्त में रह रहे हो और ऊपर से अपने साथ दो गुंडों को भी रख लिया। क्या तू इसे हीरो बन जाएगा? मैंने सुना उन्होंने लड़ाई की और तूने उन्हें रोका भी नहीं। तेरे जैसे कई डेढ़ शाने देखे मैंने। पहले तो धाक जमाने के लिए मारधाड़ करते हो, फिर अच्छा बने का नाटक करते हो ताकि सबकी सिंपथी मिल जाए, फिर बड़ी सी स्माइल दोगे और हमें धोखा देके भाग जाओगे। मैं खूब समझती हूँ तुम जैसों को। सी सिस्टर, वो अभी अभी तो आए हैं और तुम उनकी आगे की पूरी कहानी मुझे सुना रही हो। तुम पिक्चर की हीरोइन हो, पिक्चर के डायरेक्टर मत बनो। मैं मकान मालिक से जाकर बात करती हूँ। मकान मालिक, मकान मालिक, मकान मालिक परमिशन गिविंग। उन्होंने खुद कहा कि इन्हें देखकर लग रहा है कि वो कोई राजा है। तुम देखोगी तुम भी वही बोलोगी। जाओ। मम्मी मरी क्या? इडियट। ए कुमार, वो देख, कल जिनके गमले टूटे हैं वो आकर ले जाओ। ए, जरा रुक जा। क्यों? मैंने तेरे से बोला था ना, ये दोनों छोटे बहुत काम के। बहुत काम के हैं। हाँ, मुझे छोड़कर इनको पूरी दुनिया टैलेंटेड दिखती है। बड़बड़ बंद कर और जाके नौकरी ढूंढ। अगर इतनी आसान है तो आप ही दिलवा दो। पुराने मटके लेके कोई नए मटके देता है? पर उन दोनों ने दिए। ये देख, ये पैसे उन लोगों ने नए मटके के साथ मेरे हाथ में पतला दिए है ना। तेरे बाप से जैसे होशियार। ये लोग पहले गुजराती के पड़ोसी में रहते होंगे। अरे सुन, उसने बाकी पौधों को पानी नहीं दिया। छोड़ना यार। ये दोनों पौधे हमारे ही हैं। मैं इन्हें रोज पानी दे दूंगी। हाँ, बस तुम याद दिलाते रहना। मुझे अलार्म क्लॉक समझी है। सुना तूने? हाँ सुना सुना। ए तोता तोता, बोलो मैं किसका पोता? मम्मी से उम्मीद है, आर कमिंग। अरे सुन, वो तोता हमें घूर रहा है ना। रन रन रन। अरे वो तो भाग रहा है। चल 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 चल, भागो भागो। छोड़ो छोड़ो, काट लूँगा, छोड़ो। अरे ये तो तू है। हम लोग सुबह से तुझे ढूंढ रहे हैं और हमें सामने से आते हुए देखकर तू भागने की कोशिश कर रहा था। ओह दैट इज मैटर। अबे भोला बनता, इतना पसीना, सुबह से धूप में नाच रहा था। गर्मी लग रही है यार, ऐसे कपड़े पहनकर मैं लोगों के सामने नाचता, उनका दिल बहलाता हूँ। आई हैप्पी देम, जिसके मुझे 300 रुपए मिलते हैं। 15 साल से इस शहर में खून पसीना बहा रहा हूँ, फिर भी अपने लिए कुछ बचा नहीं पाया। दो में से एक अंगूठी निकाल के गिरवी रखवा दी। ये टाइट है, बच गई, वरना ये भी निकलवा लेता। ओह, मेरी अंगूठी बेच के टी शर्ट खरीद ली। लुकिंग हीरो नंबर वन। ए यो यो गो पीपल, यहाँ पढ़े लिखे लोगों को कोई काम नहीं मिलता। ये शहर बहुत ही अजीब है। तुम जाओ अपने गांव वापस चले जाओ, जाकर खेती बाड़ी करो। हमने सिर्फ हारे हुए लोग देखे, इसीलिए डरते आए हो। जिनमें जीत का जज्बा होता है उनके हौसले बुलंद होते हैं। सुना ना क्या कहा? हाँ लिसन लिसन यार, वैसे शिशुपाल बात तो सही कर रहा था, हम जैसे अनपढ़ों को यहाँ पर कौन काम देगा? देख, अनपढ़ लोग कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग हर काम नहीं कर सकते। चल, जब देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर काम करते हैं, फिर हम तो यहीं के हैं, हमें तो आराम से काम मिल जाएगा, है कि नहीं? चाय चाहिए क्या? ये लो भाई, एक और कटिंग देना। हाँ, अब क्या चाहिए? काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। जी सर। अगर काम में थोड़ी भी काम चोरी की तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जी सर, जी सर, जी। हेलो हेलो, क्या बात है, ये सिग्नल के लिए परेशान हो जाता हूँ। हेलो हेलो, जरा व्हाट्सएप नंबर तो देना अपना। क्या है कि मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड करना था, गुड मॉर्निंग वाला, 3 डॉट उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। 4G रिचार्ज करने के पैसे। सेठ से पूछ, वो बताएगा। चिट्ठी से काम चला लूंगा। उसे चप्पल से मारो। इतने गैर जिम्मेदार आदमी को मैं काम पे कैसे रख सकता हूँ? उसे इतना पीटो कि आगे जाकर वो काम चोरी करने का सपना भी ना देखे। सुना तूने? हाँ सुना। यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें क्यों सुन रहे हो?
जाओ अपना यूनिफॉर्म पहने और काम पे लग जाओ। चलो जाओ, टाइम खोटी मत करो। ठीक है सेठ। ये इधर, मुझे काम चोरी बिल्कुल नहीं चाहिए। शिकायत का मौका नहीं दूंगा सेठ। हाँ सुनना, वो मुझे बुला रही है। हाँ तो जाना, जा। बोलो पेट्रोल की मल्लिका। पागल कहीं का, अपनी शक्ल देखिए आईने में, लंगूर भी तुझसे सुंदर दिखता है। अपने आप को समझता क्या है? हाँ तू चांद पर कविता लिख सकता है? कभी चांद को नजदीक से देखा भी है तूने? ए बता, देखा है क्या? इधर देख, अपना काम कर और निकल ले यहाँ से। पर अगर किसी को छेड़ने की कोशिश की ना तो जबान फिसल गई। क्या कहा मछली? चल हट। ए मुझे लाइन मारने की कोशिश की ना तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी, समझा? चल निकल। गुड मॉर्निंग सर। 25 या 30 सर? आगे 25 कर दो, पीछे 30। ओके सर। नटू क्या बोल रही थी वो? छोड़ यार, तेरे कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुझे उसका नाम भी पता है? क्या है? कस्तूरी। उसकी बातों से लगा है कि वो हमारे इलाके की है, पर मन में एक प्रश्न उछल रहा है। वो क्या? कस्तूरी हमारे इलाके की, इलाका मेरा तो वो भी मेरी। ए काम कर काम। अगर वो लोग जिंदा है तो कहीं ना कहीं जरूर होंगे। पासपोर्ट तो है नहीं उनके पास, वो दुबई कैसे जाएंगे? वो भाग गए तो 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। किसी भी कीमत पर उनको पकड़ना है, समझ गए? उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो किसी और जगह भागने के बारे में सोच भी सकें। ए सुन, पुलिस को इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है भाई। वो लोग यही 200-300 किलोमीटर के अंदर अंदर होंगे, ढूंढो उन दोनों को। चलो। माँ बात करो। अभी नहीं, बात में क्या गुसुल पुसुल चल रही है? वो शर्मा जी की बेटी है ना, उससे तेरे बेटे तो प्यार हो गया? अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। अच्छा? उसने ही लव लेटर भेजा था। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे बेटे ने तीर माला हो। अगर आप जाकर शर्मा जी से मत पता मेरे को क्या तलना है, घर का मालिक मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा। तो कर लो। पहले मेरे तो बेटी की शादी तलनी है। हाँ तो इसकी शादी करवा दो ना, वरना ये किसी भी लड़के के साथ भाग जाएगी। ये तू मेरे को मत बता, वो खुद मेरे को बताएगी। मेरे दिमाग में एक तोड़ू प्लान है, सही वक्त आने पे बताऊंगा। आ गया, आ गया, आ गया। चला गया, चला गया, चला गया। अब देखो, अब देखो। हाँ आ गया, आ गया, आ गया। बस ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। उसको बोलो कि थोड़ा टाइट करे। टाइट करो। ए सुनाई नहीं देता, टाइट करो। क्रिकेट बहुत पसंद है क्या? हाँ, भारती बहुत ज्यादा। इससे बकवास खेल मैंने आज तक नहीं देखा। और मुझे तुम बकवास लगते हो। अच्छा, जब भी मुझे कार्टून या क्रिकेट देखना होता है मैं ऐसी ही वाइब मिक्स करवा लेती हूँ, वो तो इडियट है। लिसनिंग तुझे उनकी फिकर की है? तार से तार जोड़ने गया था क्या? अरे उसने मदद मांगी तो मैं चला गया। मदद मांग ली, इसका नतीजा क्या होगा मुझे अच्छी तरह पता है। सी लड़की वेरी डेंजरस, वो कोई चाल चलेगी तू अपनी चाल भूल जाएगा, उसके बाद सीधा तू जेल जाएगा। अरे बता दे क्यों नहीं, कहाँ चले गए? अरे बाहर निकलो, बहरे हो गए हो क्या? शांत होके जाना। ए, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, क्या ये काम तुमने किया है? मुझे नहीं पता किसने किया। झूठ मत बोलो, ये तुमने ही किया है। कहा ना मुझे नहीं पता। मेरे साथ इस तरह से बात मत करना। पहले तो टीवी का कनेक्शन लगाओगे, उसके बाद हमारे साथ टीवी भी देखोगे, फिर कहोगे कि फिल्म ज्यादा मजेदार होती है और हमें बाहर ले जाओगे, उसके बाद फिल्म से भी बोर हो जाओगे और कहोगे कि कहीं और चलते हैं। मैं तुम लोगों को अच्छे से समझती हूँ। तुम लोग ऐसे, वो मेरा गमला है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि हर लड़का तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा? बकवास की तो इस गमले में गाड़ दूंगा। अरे क्या कर रहा है, गमला है, सर फूट जाएगा। वो मैं हूँ मैडम, जिसने वायर कनेक्ट की थी, मैं हूँ वो। सॉरी, तू जा यार, जा। एक बात सुन लो, बच्चों को पढ़ना चाहिए तभी वो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। अगर तुमने बच्चों को टीवी नहीं देखने दिया तो वो पड़ोसी के घर देखेंगे और उनकी आदत बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, हाँ सुन लिया ना। दबा दबा के खा, क्योंकि इसका बिल तो मैं ही भरने वाला हूँ। तूने यहाँ आकर भी अपनी आवारा गर्दी बंद नहीं की। रे तो फालतूगिरी करता रहेगा या कोई काम भी करेगा? तो जैक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं क्या? हम नौकरी पे लग चुके पिछले 3 हफ्तों से। व्हाई व्हाई नॉट टेल मी? तू क्या करता, अपना कॉस्ट्यूम पहनकर हमें वापस से बंदर का डांस दिखाता? सुन ले, अब हमने अपना अकाउंट भी खोल लिया है। अकाउंट? जरा मेरे अकाउंट में से मेरे दोस्त को स्पेशल वड़ा पाव देना।
स्पेशल वड़ा। ए, खुजली हो रही है क्या? सीधे चल। प्यार हो गया है। अच्छा, पहले ये बता कि इतनी रात को तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? ये क्या है, प्रेम पत्र है क्या? खोल 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 खोल। अच्छा, श्री वेंकटेश स्वामी जी की कृपा। ये तो सिर्फ भक्ति के लिए लिखा है, असली बात तो नीचे लिखी हुई है, तू बस आगे आगे पढ़ते जा। रोजेज आर रेड एंड स्काई इज ब्लू, हु आर यू? जरा प्यार का तड़का लगा के पढ़ना। स्टार्ट। मेरी कस्तूरी, तुम ही मेरी दुनिया हो और मेरे दिल में समाई हो। तुम्हारा ख्याल आते ही मेरे दिल में नगाड़े बजने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर जीवन में मैं तुझे ही पाऊँ और अपनी आखिरी सांस तक बस तुझे ही चाहूँ। रोजेस आर रेड, स्काई इज ब्लू, आई लव यू। तीन डॉट और एक एक्सक्लेमेशन मार्क। बिना बात के तू किस जवाब का इंतजार कर रहा है, बताएगा? अरे तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पाओगे, ये लव है। ए, आज पूरे दिन तुम उसके साथ है, तब ये लेटर क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, मैं दोनों को मिक्स नहीं करता हूं। अच्छा? हाँ, अब हम कस्तूरी के घर जाएंगे, मैं ये लेटर कस्तूरी के तके के नीचे रखूंगा और फिर मुझे अपना होने वाला ससुराल भी तो देखना है कैसा है, मजा आ जाएगा। बदमाश कहीं का, तेरे जैसा आदमी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मेरी बेटी रोज आएंगे ना, चल दरवाजा खोल, निकालो। छोड़ दो बेटा उसे, परेशान मत करो, मार दूंगा। मुझे बदमाश बोलती है, छोड़ दो इसे। तेरी बेटी बहुत अच्छी है लेकिन मेरा दिमाग बहुत खाती है। मैंने बताया था ये पागल है लेकिन तुम लोग माने नहीं। अरे छोड़े, देखो ऐसा मत करो। हर रोज वो ऐसे ही चिल्लाती है, दिमाग खराब करती है मेरा। तुम ये ड्रामा देखने तो आ गए लेकिन कोई इलाज भी है तुम्हारे? बुड्ढे तेरे पास है क्या? बुड्ढन तेरे पास? मेरे पास है। बेटी की शादी मेरे से करवा दे, मैं बहुत खुश रहूंगा। अरे क्या, मैं इसकी शादी तुमसे नहीं कराऊंगा। नहीं कराएगा तो फिर मैं उसे मार डालूंगा, बोले तो खल्लास। मुझे बाहर निकालो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। समझ गया, मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ए, रुक रुक रुक, ये सब क्या, क्या प्रोग्राम बना रहा था? अरे बात बताना जरूरी है। अरे बताना, क्या कहा उससे? बातचीत की और क्या। लेकिन क्या बातचीत? जा नहीं बताता, क्या कर लेगा, चले। देख शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दे। अरे तेरे बस की बात नहीं है, चल अपना काम कर। इतने सालों से मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। टिकट मेरे नाम पर रिजर्व है पर सफर वो करने वाला है, ये तो नाइंसाफी हुई। कस्तूरी। थैंक यू सर। उमेश, विजया, ये लीजिए पापा। अपना ख्याल रखना बेटी। ठीक है पापा। आज मेरी बहन को पागल खाने ले जाने वाले हैं, अगर उसका इलाज अच्छे से हुआ तो वो ठीक हो जाएगी, पर पैसे बहुत खर्च होंगे। मुझे कुछ भी हो जाए तो परवाह नहीं, पर मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। पर मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। हम 8 घंटे काम करते हैं और हम 16 घंटे भी काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसों के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। अरे उसके लिए आइडिया चाहिए ना, तो मेरे पास है ना, आइडिया तो मेरे रगों में दौड़ता है। कहो तो अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर प्रकट करूं। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं? यू हेल्प वांटिंग, ये ले पढ़ी से। ये क्या है? श्री सिद्धि विनायक पेड सर्विस। ये क्या है? जो भी सर्विस चाहिए फोन डायल कीजिए और सुविधा पाइए, 24 घंटे सेवा, वो भी कम दामों में। ओह, दिस न्यू प्लान, फिर तो हो गया। तुम लोगों की जरूरत की चीजों को पैसों से खरीदोगे, फिर वो तुम्हें सर्विस चार्ज देंगे। वो कहेंगे आधा किलो सोना खरीद लो तो वो भी खरीद लोगे? सिर्फ 2000 का ऑर्डर लेंगे, समझा? अंडरस्टैंड। तुम लोगों को तुम्हारी तनख्वाह मिल गई है, उसे उड़ाने के लिए तुम्हारे पंख फड़फड़ा रहे हैं, है ना? तुम्हारे पास पैसे कैसे लुटाने हैं उसका घटिया आइडिया है, बहुत ही बैड। देखना मत, तू नहीं समझेगा, तेरी सोच ही छोटी है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी पीछे ही खींचोगे। सर सॉरी सर, माफ कीजिए सर, यू एंजॉय सर। सर मुझे एक डाउट है सर, जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो चीज मुझे कहाँ मिलेगी सर? अब आया ना सही रास्ते पे। नट्टू दिखा इसे, ये देख।
93437 Why write this? This is number my. तुझे कौन फोन करेगा? ये तो हमारे काम के लिए है. मम्मी मरी गया, इससे तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा. ए, तुमने सभी बोर्ड्स पर मेरा नंबर क्यों प्रिंट कर दिया है? ये यहाँ कैसे? चलता हूँ. मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे पता चला? क्या हुआ? मैंने ना कहा, फिर भी मेरा एकलौता नंबर सारे बोर्ड पर प्रिंट कर दिया. अब कोई प्रॉब्लम आई ना तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ए, अभी तो समझ जाओ, तुम्हें कोई भी फोन नहीं करने वाला. फोन आएगा है? हम तुम्हें भी काम देंगे. रियली? तुम्हें भेस बदल कर लोगों के सामने नाचने की जरूरत नहीं है. मैं समझ गया. उसके बाद सिर्फ तुम ही नहीं, हम उन्हें भी काम देंगे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं. सुना तूने? ए, हमेशा सुना तूने बकता रहता है. सुना तूने सुन के मेरा सुनाई देना कम हो गया है. तुम्हें क्या लगता है, तुमने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली है? सर, तुम सिर्फ पांचवी पास हो, छठी फेल. डोंट फॉरगेट. हाँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम ज्यादा पढ़े लिखे को नौकरी देंगे. मैंने तुमसे ये कहा कि हम उन्हें काम देंगे जिन्हें काम की जरूरत है. समझ गया. हर बार कोई ना कोई जवाब देके मेरा मुंह बंद कर देते हो. अच्छा, फोन दे दो, लूंगी मैं फोन रख के सोना है. फोन आया, फोन आया. चमेली का फोन होगा. एक मिनट. हेलो. हाँ, कहाँ सर? हाँ सर, कब सर? हाँ, बस मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर. थैंक यू सर, थैंक यू. कौन था? क्या ऑर्डर किया? उन्हें क्या चाहिए? गेंदे के कपड़े पहन के किसी की शादी की एनिवर्सरी में नाचना है. क्या बरे, नाचूंगा, डबल पेमेंट लाऊंगा. सच में जा रहे? कोई शक है क्या? हे, भविष्य की चिंता करना छोड़ो और आज में जियो. काम करो और खुश रहो. गुड नाइट. अच्छा, फोन तो देता जा. ए, आई टेल ना, चमेली का फोन कमिंग आधी रात को. बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ. ऑटो 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 एमपी है ना, तो गो गो. इनकी बात मानूंगा तो डूब जाऊंगा. दिमाग खराब कर दिया मेरा. हेलो. हाँ सर, हाँ सर, बस पहुंच रहा हूँ. ऑटो रुक ना, रुक. हाँ सर, लाइन पे रहिए सर, एक मिनट. हाँ, बात करवाता हूँ सर, एक मिनट. अरे ले, फोन ले, फोन फोन कंटिन्यू. टॉक टॉक. हेलो. हाँ हाँ सर, जी हम ही हैं सर. हाँ सर, वहाँ से बहुत नजदीक है, आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे. हाँ सर, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे सर. हाँ, क्या कहा? 4 बिरयानी, 2 पनीर टिक्का. हाँ सर, रायता साथ में आएगा. हाँ, क्या बोला आपने? खंबा बोल रहे होंगे. लिखना, लिख लिख लिख. हाँ सर, हम बिल लेकर आएंगे सर, और उसके बाद आप पैसे दे दीजिएगा. चलेगा सर. ओके, थैंक यू. इसे अपना ऑर्डर कहते हो? इसके लिए मैं अपनी रिक्शा छोड़ के आया. डबल पेमेंट वाला काम छोड़ दिया. ए, कोई पी के बैठा होगा, उसने ऑर्डर दिया, पैसा नहीं देगा. ए, पहला ऑर्डर है, तू क्या देख रहा है? चल अपनी बुलेट निकाल. स्टॉप स्टॉप, गिव माय फोन. अरे बाप रे, कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है पूरा शहर यहीं पर आ गया है. नहीं, शायद तू जानता नहीं, इनके साल भर का मुनाफा 10 करोड़ रुपया है. तू रुक, मैं आया. अरे देखो, वो लोग आ गए. मुझे तो लगा था तुम लोग आओगे ही नहीं. चलो, तुम लोग अपने डिलीवरी टेस्ट में पास हो गए. अरे आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ. आ जाओ, आ जाओ. बिरयानी. बोलो बोलो. ड्रिंक्स. सुट्टा भी लाया. एक पैक करा जल्दी. ये आपका बिल, 1850 रुपए. रोक देता हूँ. बोतल खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? दम लगा, जल्दी खोल. मुझे दे एक कड़क 90 ml का पैक बना दे. चल सर, वो बिल. अरे क्या सामान है, मजा आ गया बॉस. चल देना सर, बिल क्लियर कर दीजिए. क्या है बे, लाई हुई दारू असली है कि नकली, वो पहले चेक तो करने दे. अगर नकली हुई तो? हाँ भाई, एकदम ओरिजिनल है. लगता है बाहर से लेके आया. सर मुझे देर हो रही है. हाँ तो फोट, पैसे दे दीजिए. क्या बोला? पैसा? चल नहीं देता. क्या कर लेगा बोल?
दे दीजिए। ए बोला ना नहीं देता है, चल निकल निकल यहाँ से बोट, चल बोट में। पास फेल की बात कर रहा था ना, अब बता कौन पास हुआ, बता। खुद भूखा हूँ फिर भी तेरे लिए खाना लेकर आया, यहाँ कोई शराफत से काम करने नहीं देता, पैसे नहीं दिए तो छोड़ दूंगा मैं। अरे जल्दी चलो पकड़ो, अरे जल्दी पकड़ो आराम से। ये मेरा बिल है और ये है सर्विस चार्ज। ए, ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं, तू चल। माफ करना दोस्तों, तुम्हारे लिए तो मजे की बात है पर हमारे लिए जिंदगी। हम ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हैं, बेईमानी से नहीं। कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक कॉल करना। ए? जो किया सही था लेकिन उसे मारने के बाद मेरा नंबर वहां क्यों छोड़ा? ईमानदारी से पैसे कमाए हैं ना इसलिए। सौ के प्रॉफिट में ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे 1 करोड़ कमा लिया, वो भी सारी की सारी नई नोट। ए, हर जगह फाइटिंग करोगे ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी खराब हो जाएगी बिकॉज योर प्लानिंग खराब। ए फोन आया, फोन आया। अरे चमेली का फोन होगा, अब कौन मार खाएगा। हेलो, देखिए मैडम आप क्या बोल रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो मैडम, क्या आप हिंदी में? हेलो हेलो मैडम, आप क्या बोल रही हैं समझ नहीं आ रहा, हिंदी में बोलेंगी? हेलो मैडम, एक सेकंड ना, एक मिनट होल्ड करना। भारती भारती भारती, एक मिनट के लिए बाहर आना। भारती क्यों बुला रहे हो? मैनर्स नहीं है क्या? इस घर में लड़कियां रहती हैं। आधी रात को दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है? दिन भर तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगी। फोन पे फोन ला, इसे छोड़ चला जा नीचे। हाँ मैडम, बोलिए बोलिए मैडम। सर सर इंग्लिश में बात कर रही है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप बात करेंगे? मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, प्लीज कहीं और ले जाओ। सर सर प्लीज बात कीजिए ना। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब माय प्राइवेसी। ओके एक बार बात कर लीजिए ना सर। शांति शांति, फोन हो रही है सर, लगेंगे सर। सर एक बार लाला दे 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 लीजिए। हेलो यस मैडम, नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैडम, जस्ट अ मिनट मैडम, जस्ट अ मिनट, नो प्रॉब्लम मैडम, जस्ट अ मिनट। टेल मी मैडम, नो 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 मैडम, यू जस्ट टेल मी डेविल बी देयर, डोंट वरी मैडम। ओके एड्रेस, या या या, विदिन 10 मिनट्स दे विल बी देयर। या या, देखो मैंने दवाई का नाम लिख दिया, अगर 10 मिनट में पहुंचा दिया तो तुम किसी की जान बचा सकते हो। डोर नंबर 5 8 क्रॉस रोड, रेडी किला, जल्दी जाओ। ए बजाओगे कैसे यार? वो साइकिल है ना, साइकिल से कितना टाइम लगेगा? ये ले तू, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, जा ऐश कर। बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ना शुक्रिया विक्रम जा। शांति, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। शांति ऑफिस में लेट हो गया तो व्हाट कैन आई डू? ए प्राइवेसी मैन, हेलो मी, अरे तुम्हें बुला रहा हूँ। या टेल मी, किसी की जान जा रही है पर तुम्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना, हा? और ऊपर से तुम हमसे इंग्लिश में बात कर रहे हो। अरे तुम जैसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का लड़ाई झगड़ा खड़े खड़े देख सकते हो पर किसी को मदद चाहिए तो अपने घर में घुसकर बैठ जाते हो। वैसे नाम तो तेरा गांधी है लेकिन क्या एक भी गुण है तेरे अंदर उनका? ए जाके अपना दरवाजा खटखटा और अपनी बीवी को मना, चल 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 निकल। शांति ओपन द डोर प्लीज, यूज़लेस गाय। शांति अरे सही टाइम पे रीचिंग। टेल मी ना, टेल मी समथिंग,
टेल टेल यू रीच ऑल ओके। कितना सर? टैंक फुल कर दीजिए। ठीक है सर। हाय कुमार। मैडम आप? हाउ कम यू आर हियर? अब ठीक है ना? हाँ। सर ठीक है ना? सर नमस्ते सर। हुई जी। उस दिन यही तो था जो आपके लिए दवाइयाँ लेकर आया था, वो पेट सर्विस वाला। ओह आई सी। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आपके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन जो वक्त पे काम आए उसे भुला नहीं सकते। ये मेरा कार्ड रख लो। हाँ। कुछ भी काम हो मुझसे आकर मिलना। हाँ सर। हाँ। अरे अगर वो रो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? तू नहीं जानता बहुत ही सिरफिरी किस्म की लड़की है वो। पूरी दुनिया में उसका एक भी दोस्त नहीं है, अकेली है वो एकदम। देख मेरे काम के वक्त मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत किया कर, मैं बहुत बिजी हूँ समझा ना। चलो फोन रख। कौन था? अरे वही शिशुपाल था। क्या कह रहा था? वो लोग शूटिंग के लिए वैन में जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया और 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। अब उसका नंबर नहीं लग रहा तो उसकी बूढ़ी अम्मा रो रो के दिमाग खराब कर रही है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वही भारती जो हमारे सामने नहीं रहती। भर दिया? हाँ ठीक है रख लो। थैंक यू। ये लो कैशियर को दे दो। हाँ ठीक है। अरे सुनो एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? सर जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको कहाँ ले गए? जीएच हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ये चल तो पाएगी ना? किसने कहा था सिनेमा में काम करने को? अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया कोई नहीं आया तुमसे मिलने को। अबे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा मरीज है, आप ऐसा करो दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। खबर मिलते ही फौरन चला आया। 20 साल पहले जो हुआ उसके बारे में बात मत करना, मुझे वो सब सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी हमें दोस्ती नहीं है और ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं सिर्फ एक अजनबी हूँ जो मुसीबत में लोगों की मदद करता हूँ। कमजोरी महसूस कर रही हो? खाना कब खाया था? कल दोपहर में खाया था। कल दोपहर को? बाप रे ये लो खा लो। आप जाइए और इसके लिए पानी लेकर आइए। मैं जरा अभी आया। मेरे लिए बटर डोसा लाना। हैं? अच्छा है। हाँ नटू। हाँ बोल। बेड पे तो ऐसे बैठी है जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत हो। है वो नहीं मरने वाली, दूसरों को मार के ही मरेगी वो। हाँ पैर पर पट्टी बंधी है, थोड़ी सी चोट लगी है पर एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे टांगी टूट गई हो। एक नंबर की भूखी है, उसी के लिए कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। मैडम को बटर डोसा चाहिए। अच्छा हुआ 56 भोग लाने के लिए नहीं कह दिया मुझसे। जरूर ये किसी महारानी के घर से रही होगी। दादी से कहना उसकी पोती सही सलामत पहुंच जाएगी। हाँ तुम उसकी चिंता मत करो, मैं यहीं उसके पास ही हूँ। और हाँ ऑर्डर का ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ काम ठीक से करना। तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट दिखती हूँ? और ये भी कह रहे थे कि मैं दूसरों को मार कर मरूंगी। मुझे इतनी बड़ी चोट लगी है और मैं ठीक से चल नहीं पा रही। और तुम होगे मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसीलिए तुमसे खाना मंगवाया था। अगर खाना नहीं लाना था तो मना कर देते। धीरे धीरे खाना कहीं उड़ के नहीं जाने वाला है। एक बात बताओ तुम्हारी जो बूढ़ी अम्मा है वो तुम्हारे पापा की अम्मा है या फिर तुम्हारे माँ की माँ है? वो भी मेरी ही तरह है। क्या मतलब? मैं एक अनाथ हूँ। और बहन? वो भी अनाथ है, हमारे साथ रहती है। अच्छा इसीलिए तुम सब पर शक करती हो?
मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हर रिश्तेदार एक जैसा नहीं होता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना तुम समझती हो। बहादुर बनो। क्या हुआ? खाओ। अच्छी खबर है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम घर जा सकती हो। माँ, तुम्हें दादी को साथ लेकर आना चाहिए था। अच्छा, दादी को? वो तुम्हें उठा कर ले जाती ना। एक मोमेंट। हाँ, वो तो डांस की क्लासेस चलाती है ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, वही तुम्हें उठा कर ले जाएगा। हेलो, क्या हुआ? गोद में उठा लूं? बोलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। बाइक खराब हो गई है। ए, गाड़ी रुक, तू जा गाड़ी में बैठ। चलो बैठो। भाभी आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए, देखा क्या मस्त चल रही है ना बाइक। बाय बाय। चलो आओ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम पर किसी भी तरह से बोझ नहीं बनना चाहती हूँ कुमार, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो अब आओ। दीदी आप ठीक तो है ना? चलिए अंदर चलते हैं। ये दवाई दे क्या जल्दी। ए, रुक 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 रुक। मम्मी से अम्मी, माय रिंग, थैंक यू। साइन करो। थैंक यू। वेलकम। तोता ही रहता है, चल भाग। ए, चला जाओ, नौकरी देता हूँ। हेलो, हाँ जरा पहन देना। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अबे चल ना। जरा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, पर्सनल है। आओ। ए शिशुपाल। हाँ बोल। कनेक्शन तो मैंने लगाया, बल वहाँ पर क्यों चल रहा है? तो जाने देना, तेरी क्यों चल रही है पैंट? हेलो, पत्थर क्यों खरोच रही हो? मैं एक बात बोलूं? हाँ। मुझे अपने आप में काफी बदलाव महसूस हो रहा है। आजकल अजीब अजीब बीमारियां फैली हुई हैं। हाँ। जाके कोई अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। ए, मुझे इसकी वजह पता है। क्या वजह है? खांसी, जुकाम, प्यार, इन तीनों को होने से कोई नहीं रोक सकता। और पता है, स्वामी योगराज महाराज का भी यही कहना है। ये बात है। तो स्वामी जी ने कुछ गलत नहीं कहा? सर्दी, जुकाम, प्यार को कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैंने इस तरह की बातें पहले किसी से नहीं की है, तुम्हें पता है। जब किसी से नहीं की तो मुझसे क्यों कर रही हो? मुझसे प्यार करती हो ना? पता है, प्यार करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका कोई धर्म नहीं, जो कोई भेदभाव नहीं देखता। एक पवित्र शब्द है, जन्मों का रिश्ता है, जो दिलों को मिलाता है और दिलों को तोड़ता भी है। प्यार एक दर्द है, एक सजा है, एक तन्हाई है। और ये बात भी किसी महान इंसान ने कही है, प्यार करने का दूसरा नाम जुदाई है। हाँ? इसीलिए मैं प्यार से दूर रहता हूँ। मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता और तुम भी मेरे करीब मत आओ। अरे सुनो तो। हाँ? एक दूसरे के करीब ना सही, पर प्यार तो कर सकते हैं ना।
मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करो। मुझे प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं। हाँ, पर क्यों? मुझसे प्यार करोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुसीबत झेलो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुनना। You know what I'm saying? जाती हो या? क्या बके जा रही है इंग्लिश में? चल भाग यहाँ से, चल। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। नहीं आएगा मेरे पास। मैं बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। नहीं जाऊंगी। मेरे को मारेगा तू? छोड़ो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो। हटना बोले ना। छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। कहाँ ना छोड़ो मुझे। तूने मुझे मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं इसके साथ जो चाहे करूं? तू इसका लवर है क्या? हाँ हूँ। तू तो घर आ, तेरे को बताता हूँ। तू इधर ही रुक, मैं आदमी लेके आता हूँ, फिर सबक सिखाता हूँ। ए यहाँ जाओ, इसे अंदर लेकर जाओ। आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? चाहिए अपना अपना काम कीजिए। ए सबको अलग से बोलूं क्या? चलो चलो जाओ जाओ। देख मुझे सब सच सच बता दे। वही जो तूने उस आदमी से कहा, क्या वो सच है? मैंने बहुत कुछ कहा, तू किसकी बात कर रहा है? नाटक मत कर, तूने बहुत सी बातें की, पर वो एक जो बात तूने कही उसका सच मुझे जानना बता। अरे सच झूठ क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे ही समझ जा। कहने को तो मेरा दोस्त है पर बताता कुछ भी नहीं है। पतीला खरीदा था मैंने और खिचड़ी उसकी पक रही है। पानी पियो। आज रात में तुम्हारे घर आऊंगा। क्या तू बाहर जाकर अपने लवर बनाती है? आज दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या अंतर। आज सुबह मैंने तुझे समझाया ना, एक बार में बात समझ नहीं आती। तेरे को ज्यादा सर भी चढ़ी है क्या? आज तेरे को मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे नहीं सोचेगा, इसको मार, मार इसे, बंद कर दे अंदर। दरवाजा खोल। तुम्हारी बहन कहाँ? बेटा आज पूर्णिमा है, उसे दौरा पड़ा है। आप पर तो नहीं ना? आपने आपने एक बार भी अपनी बेटी की बात सुनने की कोशिश की? बस पागल मान लिया, जानने की कोशिश नहीं की। पता इसकी हालत ऐसी क्यों हुई? क्योंकि इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, इसकी जिंदगी बर्बाद आप ही ने की है। ये लोग मुझे मेरी बहन से भी बात नहीं करने देते। दीदी हमें नहीं पता था कि इनके घर पे क्या चल रहा है, हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती थी। उसने इसे घर के अंदर बंद करके रखा था और किसी से बात करने नहीं देता था, और इन्होंने भी कुछ नहीं किया। देखा, ये समझ गई, पर आप नहीं समझ पाई। हम कैसे समझते बेटा, इन्होंने कभी अपनी बेटी की बात सुनी ही नहीं। मुझे लगा मेरी बेटी पागल हो गई है, पर मैं करती भी क्या, उस बदमाश को मैं आज छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी उसकी। पापी कहीं का राक्षस, तुझे मैं बताती हूँ, ठहर जा, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं।
शादी तो आपकी मर्जी से हुई थी ना, अब आप इसे मारना चाहती हैं? रखिए नीचे, इसे उसी के साथ रहना होगा। चल जा। अपने आप को बदल ले वरना बहुत पछताएगा तू। दीदी क्या हुआ? दीदी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ दीदी, बताओ ना। दीदी दीदी आप रो क्यों रही है? दीदी बताओ ना। हेलो, हाँ क्या बात है? आई लव यू बोलो। आई लव यू मुझे नहीं, भारती दीदी को। प्लीज प्लीज प्लीज। दीदी ने कभी किसी चीज की इच्छा नहीं जताई, वो बहुत अच्छी है। मेरी दीदी तुम्हें सच में बहुत प्यार करती है। ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, चलो जाओ। क्या मैं दादी को आपसे यहाँ बात करने के लिए भेजूं? कहाँ ना जाओ। मेरी बात मानो, उसे निराश मत करो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, यही उसकी आस है बस। वो दिल की बहुत अच्छी है, तुम ही सोच लो। मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन अब तुम दूर भी जाना चाहोगी तो मैं जाने नहीं दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। सब बेवकूफ हैं। किसने कहा था ये सब करने के लिए? ये तो है ही बेअक्ल, पर तेरे दिमाग को क्या हुआ? ओफो, अब ये फोटो सारी जगह फैल जाएगी। पब्लिसिटी के लिए यही तो चाहिए था। तो चुप कर ना। नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू वरी, डोंट वरी। चल निकल, बाहर निकल, बाद में बात करेंगे, चल जा। डोंट धक्का गोइंग। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इसका किया धरा है। मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या करने वाला है। ये फोटो इसने छपाई है। तुझे पता भी है क्या होगा? ये फोटो देख के वो हमारे पीछे आ जाएंगे। देख इसको देख, ये फोटो फोटो नहीं, हमारी मौत है। मेरी बात समझ यार। वो जब इधर लेने तो आया था तो उसके पास फूती कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है। मेरी नजरें कभी धोता नहीं था सकती, धरता मालिक मैं हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारी मेरा जमाई बनेगा। क्या कहा, जमाई? उसके बारे में तो कुछ नहीं जानते। तेरा मुंह बंद रख, मैंने डिसाइड कर लिया है, जो दिल में आए वो करो। बोल तो दिख रही, तेरे को छोटरा पसंद है ने? मने जवाब मड़ी गयो। Hey!
बोलो तुम भी भाग चल। कहाँ जा रहे हो? ए, भाग भाग भाग। वहाँ तो पीछे मेरा घर है। साइड साइड, दे आर फॉलोइंग। अरे मोटे को पकड़। पास पास। उस तरफ। यहाँ का मालिक मैं हूँ, मैं दिशाएं चलूंगा। मैं यहाँ से ताई तो भागू, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ए, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। किसी को नहीं बताऊंगा। पूरी बिल्डिंग छान मारो। दो खिड़की खुली है, उधर देखो, रस्सी लटकी है, लगता है वो भाग गए। चल जाओ, देखो जल्दी जल्दी करो। अरे भैया, भालू का मास्क पहन के भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी पकड़ो उसे। तुम्हें तो परेशान नहीं करते वो लोग, अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, तुम लोग खुद भुगतोगे। फिर आके बात मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ। अरे वो दोनों पागल हैं, मेंटल है दोनों, दोनों पागल खाने से भाग कर आए हैं, समझे? आई थिंक इस बिल्डिंग में ये दोनों ही नॉर्मल है। या तुम कैसे बातें कर रहे हो मोटा भाई? मैं तो अपनी दिकरी की शादी उसके साथ करने की सोच रहा था। शादी की सोच रहा था? ए, तू जानता भी है कुमार कौन है? मैं पिछले 6 महीनों से इन दो पागलों के साथ रह रही थी और दोनों मेरी बेटी के साथ भी खेलते थे। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो, अरे यहाँ के मकान मालिक को थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? तो मेरे से वैसे बात मत कर जैसे तू अपने पति से करती है। आप बस कीजिए, वो ठीक ही कह रही है, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, जो करना है वो करो। ए, चल तू अंदर, बाप की तरह जिद्दी हो गई है तू भी, चल। हेलो, बचाओ! नहीं, अरे भालू नहीं है। मुजरिमों को मार मार के हम लोग बोर हो चुके हैं, इसका चेहरा टक्कर मारते हैं, मजा आएगा। सुपर सर, मत मारो सर, रुको रुको। अरे मैं इंसान हूँ, अरे मेरा चेहरा तो देख लो सर। अरे आप क्या करें? अरे यार क्या शोक मना रहे हो तुम लोग? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, खाना खाओ और घर के अंदर ही रहो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुकान पर जाकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, कहीं मत जाओ, यहीं बैठो, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। पर क्यों? आई कांट अलाउ दिस शांति, यू कांट गो एनीवेयर। अरे पर क्यों ना जाऊं? तुम ही ने अभी अभी कहा ना कि वो दोनों पागल खाने से भागे हुए हैं। तो क्या हुआ, तुम क्या मुझे भी पागल समझते हो? आई डिडंट मीन लाइक दैट शांति। तुम क्या चाहती हो, मैं घर पर बैठा रहूं और तुम उनके सामने बाहर जाओ? इम्पॉसिबल, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, तुम बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम भी पागल हो गई हो शांति। क्या कहा? हा? मैं पागल? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। क्या उनकी वजह है तुम इसे लेकर जाओगे? एक्सचेंज ऑफर नहीं लेके जाओगे? यहाँ अजीब से लोग रहते हैं, आड़े टेढ़े अतरंगी, तुम्हारी गाड़ी में जगह कम पड़ जाएगी। चैन से खाना भी नहीं खाने देती। ए, तो जानता भी है मैं कौन हूँ? आवाज नीचे रख के बात कर, अगर तेरे पास आदमी है ना तो मेरे पास भी है। याद रख तू कहाँ खड़ा है, ये पेट्रोल पंप है, चला के रख दूंगा मैं, ज्यादा होशियारी मत करना। चलो रहे, चलो। याद रखना कुमार अकेला नहीं है, उसको हम लोगों का पूरा सपोर्ट है और हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा होगा कि तू अपने शहर वापस लौट जा। लौटूंगा पर उसे मारने के बाद। ए, इधर आ। क्या हुआ भाई? तू यही रुक, जो भी कुमार का साथ दे रहा है उसे छोड़ना मत। चल चल। तेरी
परेशानी क्या है कुमार? सर वो सभी मेरे दुश्मन हैं, पिताजी माँ भाई सभी लोग। तुझे मुझसे कोई मदद चाहिए? नहीं सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल मैं यही हूँ, कस्तूरी यादव बताना। ठीक है बेटा। कुछ नहीं हुआ, चल उठ उठ। ए नटू, कस्तूरी हाँ? पानी लेकर आना। हाँ? ये लो पानी, ये ले पानी पी। सब कुछ खत्म हो गया। कस्तूरी हाँ? इसे बात करते रहना। हाँ? इसे अकेला मत छोड़ना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है नट्टू, मैं अभी आया। आखिर तुम हो कौन? मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे दादा
एक राजा की तरह जी। बचपन से ही मुझे कभी खुशी नसीब नहीं हुई। शायद कुछ लोगों को माँ का मतलब नहीं पता, लेकिन मेरी माँ मेरे दिल में बसी हुई है। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। स्कूल में मैं हर क्लास में अव्वल आता था। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। यहाँ चारों ओर शांति है। ये देश भगवान का देश है। इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। ये देश बहुत सुंदर है। यहाँ सब मिलके रहते हैं। ये देश हमारा है। ये भारत देश हमारा है। इस देश में हरे भरे खेत है। इस देश के किसान और जवान महान है। रुक जा, इसे चक्कर आ जाएगा। अब चल चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो देता जा। ए, चल इसे जवाब दे। सवाल का जवाब था 156। इसने मुझे 12 बार छुआ था, 30 पत्थर फेंके, 9 बार घंटी बजाई। ए, इसने उल्टा खड़े होकर भी जवाब दिया है। सही जवाब दिया है ना इसने? ए, जवाब सही है, अब घूम जा। ए, इसके साथ पंगा लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? चल अब चलते हैं। अब हम यहाँ के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना? क्या तुम पागल हो? अजीब से सवाल पूछते हो? बैठ जाओ। मम्मी बचाओ। ए, सब बोर्ड की तरफ देखो। जब भी इनसे कुछ पूछो इनका जवाब यही होता है, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया है। क्यों सर, अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं? अरे काहे का प्रमोशन, छठी क्लास में एक स्टूडेंट है, बड़ा बदमाश, ऐसे सवाल पूछता है कि मैं जवाब ही नहीं दे पाता। ऐसा क्या पूछ लिया उसने? उसने मुझसे पूछा कि चांद पर बायां पैर पहले किसने रखा। अरे आर्मस्ट्रांग ने। आर्मस्ट्रांग ने दाहिना पैर पहले रखा था। उस बदमाश ने मुझसे पूछा कि बायां पैर किसने रखा। बायां पैर पूछा? सर सवाल हमें पूछने चाहिए, ना कि उस लड़के को। क्लास पर जरा कंट्रोल रखिए, किताब कॉपी साइड में रखिए और उसकी धुलाई कीजिए। निकलो मेरी क्लास से, निकलो मेरी क्लास से। अजीब अजीब सवाल पूछते हो, बदमाश कहीं का। अब तू कहाँ जा रहा है इसके साथ? तू भी इसके बगल में खड़ा रहेगा या बैठ अपनी जगह? चल जा, जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं। ए, वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रहा है? बोर्ड की तरफ ध्यान दे। लेकिन सर बोर्ड पे कुछ लिखो तो सही। मुझसे जबान लड़ा रहा है। ए, कल स्कूल में अपने बाप को अपने साथ ले आना। अजीब अजीब सवाल पूछ के इसने नाक में दम कर रखा है सर। सवाल पूछता है तो तुम्हें जवाब देना होगा। नमस्ते सर। हाँ आइए, इसमें गलती तुम्हारी है। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। अगर स्टूडेंट एक सवाल करता है तो तुम्हें 10 जवाब देने चाहिए। यही हमारा काम है, इसीलिए तुम्हें तनख्वाह मिलती है। आप बच्चे की फिक्र मत कीजिए, इसे वापस क्लास में भेजिए, मैं संभाल लूंगा। अगर इसे सही शिक्षा दी गई तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। जरा अपने बेटे सुरेश को देखो, इसे हर परीक्षा में 0 मिला है। कुमार को रास्ते से हटाने के बाद ही सुरेश तरक्की कर पाएगा, ये बात याद रखना। अरे ईरा, तुम 2 दिनों से अपने घर नहीं गए हो, जाके अपनी बेटी से मिलकर आओ। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तुम जाओ, जाओ। कुमार, ये क्या कर रहे हो तुम? स्कूल जाने के बजाय ये काम क्यों कर रहे हो? मेरा बैग और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है दादाजी। माँ ने कहा है गोबर साफ करूंगा तभी मुझे खाना देगी। तुम्हारा बाप कहाँ है? ये टीचर से अजीब सवाल पूछता है पिताजी, ऐसे सवाल कि उन सवालों का जवाब टीचर के पास भी नहीं होता। वो टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होंगे तभी इसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसकी माँ की तरह कुमार भी उसी बीमारी का शिकार है, इसीलिए अजीब हरकतें करता रहता है। इसकी वजह से दूसरे बच्चों को तकलीफ हो सकती है, इसीलिए मैंने इसका स्कूल जाना बंद करवा दिया है। दादी, मेरी माँ को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता बेटा, सब लोग कहते थे वो पागल है। कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कुमार बेटा, तू रो क्यों रहा है? मुझे माँ चाहिए। चुप हो जा, मैं हूँ ना बेटा। ससुर जी हमेशा उसे ही प्यार करते हैं, कभी मेरे बेटे को प्यार नहीं किया। क्या ये उनका पोता नहीं है? क्या आपका बेटा नहीं है ये? ऐसी बात नहीं है, पिताजी सुरेश को भी प्यार करते हैं। पता है, पता है, मुझे उनका प्यार नहीं उनकी दौलत चाहिए।
तुम कुछ मत करना, पहले सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिखवा कर लाओ। हो जाएगी, आओ। मुझे हाथ मत लगाओ। आओ ना। कहाँ ना जाओ? चुप रहे, बकवास मत कर। ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी? सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे बेटे का ही तो है। ए हीरा, हाँ मालिक। जा गाड़ी निकाल। पिताजी ने कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। बहरी नहीं हूँ, मेरे पास भी कान है। मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे दादाजी ही करते थे और अचानक उनकी मौत हो गई। हर कोई बिना वजह मुझे मारा करता था, मेरी परवरिश एक गुलाम की तरह हुई। तू स्कूल क्यों नहीं गया यार? सोचा तू तो बहुत होशियार है, जब तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये बता, सबसे पहले चांद पर बाया पैर किसने रखा वही था? तो मैं भी जानना चाहता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं देता। जब लोग आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देंगे? तू भी ना। क्या सोया है? उठना। क्या हुआ? उठेगा तो बताऊंगा ना। चलो ये पकड़, रोज 108 घड़े पानी डालना होगा, इससे वक्त भी कट जाएगा और पुण्य भी मिलेगा। भगवान जी तुझे हमेशा रास्ता दिखाएंगे। और तुझे? ए, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, तू बस अपने बारे में सोच। भगवान गणेश से मेरी हमेशा बात होती है, अब बस यहाँ खड़ा ही रहेगा क्या? जा पानी ला। उस दिन से भगवान गणेश मेरी दुनिया बन गए, मेरी सुबह उनके साथ ही होती थी। 108 बार डालना है, पहला मटका। भगवान गणेश जिनकी मैं पूजा करता था, उन्होंने एक दिन मुझे इस लड़की से मिलवाया। रुक रुक तो। कहाँ भाग रही है? कैसे भाग रही है? उससे बछड़ा संभाला नहीं जा रहा है। तू जाकर मदद करना, बहुत खुश हो जाएगी। वो हमसे टकरा जाएगा, हट जाते हैं। जानता है तेरे दादाजी कितने बहादुर थे, तू बुजदिल कैसे हो सकता है? जाके उसको पकड़ ले, इतना डर मत, तुझे उसको पकड़ना ही होगा। अरे देख के रहे, हटना। ओए हट के रास्ते से, ओ सुन। हाँ, छोड़ना मत उसको। ओए हट जा, तुम लोग को सुना नहीं देता। हट जा सामने से, हट जा। ये रास्ते में खड़ा हो जाता ना तो हटता नहीं है। चल रेडी 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 भगा। अरे तेरे गले की घंटी कहाँ चली गई? ए देख तो, तेरे गले की घंटी मिल गई। ए घंटी इधर दे। अरे इससे मारूंगा तुझे। जस्ट मिस्ड हो गया। देख रही है मेरा दोस्त डर से कितना कांप रहा है, लेकिन फिर भी उसने तेरी मदद करने की कोशिश की। उसे पकड़ नहीं सकती थी? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? मांगी क्या? रास्ते से हट कह के चिल्ला रही थी, सुना नहीं देता क्या? पागल बन के ऐसे बीच रास्ते में खड़े रहोगे तो बछड़ा तो पागल हो ही जाएगा। तू घबरा मत, मैं अच्छे से जानता हूँ इस तरह की लड़कियों को। चल चल चल, जगह खाली कर जगह, चले। अरे अपने आप को समझती क्या है? इस गाँव में मारने के लिए पत्थर मिलता है या नहीं मिलता? हम यहाँ के बहुत खतरनाक लोग हैं।
हमसे उलझना मत। देखा ना कैसे डर गई। बच गया ना। जरा बता मुझे, क्या मैं पागल दिखता हूँ? वो मैं इतने सालों से तेरे साथ में हूँ लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। ज्यादा सोच मत, तू सीधा चलता रहे और अचानक मुड़ कर देख ले, फिर मैं देखकर बताता हूँ। मम्मी, थोड़ा थोड़ा लगता तो है। एक मिनट। हाँ क्यों ना इसके बाल मेरे जैसे काट दो। मेरे जैसी हेयर स्टाइल पूरे गांव में नहीं है। लात खाएगा? लात को नीचे रख। किसे दिखा रहा है जो यहाँ बाल कटवाने आया है? हे, पहले इसको पकड़। ये सब इसकी वजह से हो रहा है, इसे छोड़ दे, इसकी हेल्प। अरे मैंने क्या किया है? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, पकड़ लो, ये हो गई भाग, अरे मारो मत, भाई नहीं। ओम गजानन पूत गणादि सेवित कपित जंबो बलिसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यूरेनियम है वो, बंजर जमीन है, अगर बेचना भी चाहो तो कोई नहीं खरीदने वाला, और अगर कोई खरीदेगा तो एक एकड़ के 50,000 से ज्यादा नहीं देने वाला। पर वो तुम्हें एक एकड़ के 5,00,000 देंगे जो हुए 300 एकड़ के 15 करोड़। मुंबई की पार्टी है। बोलो क्या कहते हो? हाँ 15 करोड़ दे रहे हैं। उस जमीन में ऐसा क्या खास है? जरूर उसमें सोना होगा। सुनिए आपको उल्लू बना रहे हैं, जाकर पूछिए। यूरेनियम है, देखने से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला। यूरेनियम क्या चीज होती है? तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? वो तुम्हें तुम्हारी जमीन की दुगनी कीमत दे रहे हैं, वो चुपचाप ले लो, जो मिलता उसे लेकर खुश रहो। अगर सरकार को इसका पता चल गया तो वो तुम्हारी जमीन जब्त कर लेगी। चलो इन्हें एडवांस दे दो। ये मुझे दो। हम रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, चलो। हाँ एक बहुत बड़ा सौदा है, मैं कागजात की जांच करवा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों चेक कर रहे हैं? ये कागजात तो ठीक है, पर जमीन के मालिक का बनाया हुआ आखिरी कागज कहाँ है? ये रहे कागजात। ए इसने जो कागजात दिए वो तुमने चेक क्यों नहीं किए? एडवांस लेकर तुम हमें ठगना चाहते हो क्या? ए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुमने कहा था कि ये जायदाद तुम्हारे पिता की है, तुम्हारे पिता ने कभी कोई वसीयत बनाई भी थी क्या? जब तक तुम्हारे पिता जिंदा थे तब तक तुम जायदाद का मजा ले सकते थे, अभी तुम जायदाद को चाटोगे क्या? क्योंकि इस जमीन को बेचने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे बड़े बेटे कुमार को ही है। अब उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उसे क्यों ढूंढ रहे? क्यों ना हम जायदाद के कागज बदलवा ले? वो कागजात डुप्लीकेट है बहन, ओरिजिनल कागजात कुमार के पास है, और पैसों के लिए हमें चाहिए वो कागजात। अय्याशी ने तुम्हारे पिता को बिल्कुल अंधा कर दिया है, वो तुम्हारी सौतेली माँ का गुलाम बन गया है। अरे पागल है वो। वो बचपन से पागल है या फिर तुमने उसे पागल बना दिया है? तुम्हारे दादाजी समझ गए थे कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे,
उन्होंने मुझ पर तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी डाल दी और कहा कि किसी भी हालत में मेरे पोते को बचाओ। उसके बाद हमने सोचा कि हम तुम्हें किसी और गांव में लेकर चले जाएंगे, पर उन्होंने तुम्हारे दादा को जहर देकर मार डाला। उसके बाद उनके आदमी हमारे घर आए और दरवाजा तोड़कर हमारे घर में घुस आए। मैं किसी तरह से अपनी बेटी को लेकर चुपचाप वहां से निकल आया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी, उनकी वजह से हम लोगों का पेट भरता था। हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, पर उन लोगों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया और कहा कि वो पागल हो गई है, जबकि वो पागल नहीं थी। अगर मर्द हो तो लड़ो, पलटवार करोगे तभी इस दुनिया में टिक पाओगे। जाओ। पता नहीं कहां चला गया, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, नाक पे दम कर रखा है। ए, कहां था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा था। ये क्या? नहीं, रुको रुको रुको, मैं उससे बात करता हूँ। उनको रुक जाओ रुक जाओ, जाओ पकड़ो। बेटा क्या कर रहा है तू? कहाँ चला गया था? हम सब लोग तुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं। अपने बाप को मारेगा? कैसे बाप हो तुम? एक औरत की वजह से तुमने मेरी माँ और मुझे धोखा दिया। तूने अपने सगे बाप को मार डाला। तू मेरा बाप हो ही नहीं सकता। तू ये क्या बकवास कर रहा है पागल कहीं का? तू ही है मुसीबत की जड़। अरे रुको, इसको घेर लो, इसको छोड़ना मत। मारूंगा, घेर लो, पकड़ लो। माँ, ओ माँ, माँ, उसे इतना मत मारो, कहीं मर ना जाए। हाँ, क्या जीजा जी, बेटे पर प्यार उमड़ रहा है। ए, ये सब छोड़ो, इन सब के पीछे जरूर कोई है, पहले जाकर उसे ढूंढो। दीदी बाहर एक लड़की आई है। हाँ? लड़की आई है? दीदी है, यही है क्या? हाँ भाई, है, भाई। कान खोल के सुन ले, हमारे मामले में दखल मत दे। तुझे आदमी चाहिए क्या? हमारे परिवार से आदमी चाहिए? हमारे गांव से दूर चली जा, वरना तुझे मैं क्या आँख दिखाती हूँ, हालत करूँगा। जाओ जाके इसकी झोपड़ी चला जाओ। कहता हूँ इसे छोड़ दे, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नहीं नहीं नहीं। रुको, रुको, कुछ मत करो, वो उसे मार देगी। रुको, रुको, पीछे रहो, हटो। तुमने कुमार के साथ जो किया मुझे पता है, और आगे क्या करोगे वो भी पता है। उसे यहाँ भेजो, तभी इसे छोड़ूंगी। अब जा, जा! तू सब ना कर रहा हो, तुम उसे खत्म कर ले गए, पर तुम मेरे बेटे को वहाँ छोड़ा है। मैंने उस दिन नीरा को मारने को कहा था, पर तुमने नहीं मारा, और आज वो हमें मारना चाहता है। अरे बहना तू फिकर क्यों करती है? कुमार जब तक यहाँ, सुरेश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई कुमार यहाँ नहीं है। मैं क्या बोल रहा तू? जाओ हर तरफ देखो। Hey,
लगता है वो दूसरे गांव के लोग हैं। हो सकता है वो बहुत सारे हो। चलो पहले साकी और रीरा से मिलते हैं। किधर गया? अरे उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। तो फिक्र मत कर, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन तू नहीं पकड़ा जाना चाहिए। किसी को छोड़ना मत, टुकड़े टुकड़े कर दे। वो देख, वो आ रहा है, मार उसको। जा, जा। पुलिस को रिश्वत खिलाई थी। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आपका शुक्रिया सर। ले चलाओ। शुरू करो। मुझे कुछ नहीं हुआ था, पर उन्होंने मुझे पागल खाने में भर्ती करवा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरे शरीर का हर एक अंग दर्द से बेहाल था। मैं कुछ भी बड़बड़ाता रहता। जो पैसे मैंने एडवांस लिए थे उनमें से मैंने 25 लाख पुलिस को दे दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कुमार ने कागजात पर साइन किए तो ही हम मुंबई वालों को जमीन बेच पाएंगे। अरे फिक्र मत करो बहना, काम हो जाएगा। अगर मुंबई वालों ने पैसे वापस करने को कहा तो हम कहां से लाएंगे पैसे वापस करने? ए, तेरी परेशानी क्या है रे? पैसे तैयार रख, काम हो जाएगा।
डॉक्टर, मैं कब से देख रहा हूँ आप इसे लगातार शॉक ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? हेलो, क्या है ये तुम्हारा केस है क्या? हाँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ। हेलो, जाओ सर। अगर तुमने इसकी मदद न की होती तो ये अपनी जीप काट लेता। उसकी इस हरकत की वजह से तुम्हें चोट भी लग गई, काफी थक गए होगे तुम। हाँ, जाओ। वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मेरी परवाह थी। जाओ, आराम करो। क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। हे, तूने खाना खाया क्या? हे डॉक्टर, कुछ ही दिनों में हाँ बोलिए रजिस्ट्रार के ऑफिस से कुछ लोग आएंगे इसके साइन लेने। इसे वही करना होगा जो हम चाहेंगे। ठीक है, हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद इसे भी खत्म कर देना। बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा। कुमार, मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिमागी बीमारी नहीं है। तुम्हारे साथ जरूर कुछ अजीब हो रहा है। तुम हो कौन? अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है? अपने गांव जाऊंगा। उसके बाद? जिन लोगों ने मेरी मां को पागल बनाया है, जिन लोगों ने मेरे दादाजी को मारा है, उन सबको मार दूंगा। और उसके बाद? तुम पर इस सब का केस बनाकर पुलिस तुम्हें पागल करार देकर यहां पर लाई है। जिस वक्त तुम्हें यहां लाया गया था तुम ताकतवर थे, पर अब तुम कमजोर हो चुके हो। जान नहीं है तुम्हारे अंदर, अपने आप पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। कुछ ही दिनों में वो लोग तुम्हारे साइन ले लेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, या तुम्हारी मां की तरह तुम्हें भी वो लोग कहीं छोड़ आएंगे। जो भी बच्चे इन सड़कों पर घूम रहे होते हैं वो सबके सब अनाथ नहीं होते। उनका भी कभी परिवार था, वो लोग भी कभी सुख से रहते थे। उनके भाई बहन माँ बाप सब लोग थे उनके, पर वो फिर भी भटक रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको अपनों ने ही धोखा दिया है। इसकी, इसकी और इसकी, इन सबकी यही कहानी है। यहां रहने वाले ज्यादातर मरीज, उन्हें पागल बनाया गया, वो पागल थे नहीं, जन्म से पागल नहीं थे वो। मैं यहां से चला जाऊंगा। तो जाओ।
पर अपने गांव मत जाना। अगर एक बार समाज ने तुम्हें पागल करार दे दिया तो हमेशा तुम्हें पागल ही मानेंगे। किसी ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो। खून के रिश्ते ही असली रिश्ते नहीं होते। ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें परिवार फिर से मिल सकता है। बाप माँ भाई बहन सब मिल जाएंगे तुम्हें। तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी। उन्हें दिखा दो जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे। उन्हें तुमसे डर लगना चाहिए जो तुम्हें परेशान करते हैं। अगर खून का बदला खून होता तो ये सारी दुनिया शमशान बन जाती। इंसान अगर इंसान की गलतियां माफ नहीं करेगा तो फिर ये संसार चलेगा कैसे? क्षमा कर दो, ये सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर तुम दिल से चाहो तो एक ही समय में कई रिश्ते निभा सकते हो। अपने मन पसंद की अपने लिए दुनिया बना सकते हो। यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। भगवान गणेश के रूप में उस डॉक्टर ने मुझे अच्छी सलाह दी, मुझे जिंदगी जीने का मकसद सिखाया। नट्टू भी मेरे साथ आ गया। हम दोनों उस पागल खाने से भाग गए। दोस्त, वो लोग मुझे ढूंढते यहां तक आ गए हैं। अब मुझ पर यकीन है? मैंने कब कहा कि नहीं है? तुम्हारा कोई नहीं है, पर मेरे तो सब लोग थे, फिर भी मैं अकेला हूं। ए, रोते नहीं है। बुरे वक्त में अजनबी साथ देते हैं लेकिन रिश्तेदार कभी नहीं। कुमार चाहता था कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। अगर 100 में से एक भी उसकी तरह सोचने लगा तो दुनिया में कोई पागल नहीं बचेगा। यहाँ आने के बाद भी तुम्हें ऐसा ही महसूस हुआ? एक बार महसूस हुआ था। तुम लोगों के साथ रहते वक्त मैं भूल ही गया था कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी है, पर आज मुझे फिर दौरा पड़ा। चल बाहर निकाल। ए, बोलो इसे। जी सर। ए, तेरी बेल हो चुकी है, अब घर जा। जा। ए, डोंट टच मी। पहले तो इंसान को किलो के हिसाब से मारा और अब अचानक फ्री कर रहे हो। ए, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जानते नहीं हो मेरी पहचान कहाँ कहाँ है? मेरे दोस्तों को पता चला ना मुझे मार पड़ी है तो उनके गुस्से से थर थर कांपते हुए नजर आओगे। हाँ, ऐसी होती है दोस्ती यारी, बिना जाने और समझे धो डाला मुझे। अब देखना, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, बदला टेकिंग वन बाय वन। 16 हवलदार, 12 मर्द पुलिस, 9 औरत पुलिस, इन सब ने मिलकर मुझे 1472 बार मारा है। इस मार का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेन ह्यूमन राइट्स वालों के पास करूंगा। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो हाई कोर्ट तक जाऊंगा। अभी अभी फ्रेश आइडिया आया है, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन खुद को बेगुनाह साबित करूंगा। वाई शॉकिंग शॉकिंग है, करंट लगिंग लगिंग। अब तो तुम लोगों की पूरी लाइफ शॉक में गुजरने वाली है, देखते जाओ। I will be back very soon. हाँ तो, हाँ, चिचुपाल से पंगा लिया। ए, मम्मी मरी क्यों? ए, बोले में कहाँ जा रहा है? अरे रे रे रे, मम्मी। ए, ए, बारा, बारा। अभी तू हमें डराने की बात कर रहा था, आप खुद क्यों डर रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। I love पुलिस वाला। जिसकी जमानत हो जाती है उसको हम यहाँ नहीं रख सकते। मैं आपकी मार खा सकता हूँ लेकिन उनकी मार नहीं खा सकता। जेल में बंद कर दो ना, जितना चाहे मार लो। बोल रहा हूँ कि निकल यहाँ से, चल। पुलिस स्टेशन में दाल रोटी तो मिल जाती थी लेकिन इन्होंने तो हैंड्स अप करके टांग दिया। ए बुढ़ाओ। जवान मर गए लेकिन तू अभी भी धरती पर बोझ बना हुआ है। शहर में कितनी बसें और ट्रक हैं पर तू किसी के नीचे नहीं आया और अब तक जी रहा है। ए, थूक, नीचे रख, नीचे रख। बाल सफेद हो गए लेकिन मुझसे लड़ना चाहता है। लेकिन एक बात तो है, तुझ में अभी भी लड़ने का टैलेंट तो है, इसी वजह से तू इस शहर में टिका हुआ है। अबे मुझे घूरना बंद कर,
तू वापस अपने गांव नहीं जा सकता। हमने तुझे सबक सिखा दिया। क्या? अरे रे 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 रे, सब खत्म हो गया। सरकार ने हमारी जमीन जब्त कर ली रे। चलिए पीछे हटिए। पीछे हट, मुझे मत। क्या? क्यों बे? खुशखबरी मिलेगी नहीं? सुन के मजा आया? सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। हे, तुम्हारे बेटे कुमार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इस सब के बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। हम उसको काट डालेंगे और उसकी लाश को गांव ले जाएंगे। चाचा, ये तो अभी गुस्से में बोल रहा है, पर आप भी क्या कहा? हाँ? मैं गुस्से में बोल रहा हूँ? इसे देखो, ये तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, इतना काफी नहीं है क्या? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे कुछ मत करना, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। ज्यादा बकवास करोगे ना तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और सिर्फ अकेले उसे ही नहीं, मैं उसके सारे के सारे दोस्तों को भी खत्म कर दूंगा। अब तुम क्या करने वाले हो कुमार? उनका मुकाबला करेंगे। कुमार, हम तुम्हारे लिए जान तक दे सकते हैं, हमें हमारी जान की कोई भी परवाह नहीं है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ए, उनसे लड़ना होता तो गांव में ही लड़ लेता, यहाँ इतनी दूर नहीं आता। तुम लोग मेरे लिए खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो। यहाँ मुझे ये मिली, मुझे एक अच्छी जिंदगी मिली और मैं ये सब खोना नहीं चाहता। वो मुझे ढूंढने यहाँ आए ना, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तकलीफ नहीं। तो फिर हम भी साथ चलेंगे। किस लिए? हमने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया, इन सबको छोड़ देना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोग अपना काम जारी रखो। अगर मेरी वजह से तुम लोगों की तरक्की होती है तो तुम भी दूसरों की मदद करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया के हजारों करोड़ों लोगों को मदद मिलेगी और ऐसा करने पर यह पूरी दुनिया हमारी दोस्त बन जाएगी। लो, अपने घर वालों को बता दो। हेलो दीदी, कहाँ हो? कुमार के साथ हूँ, कुछ गुंडे हमारे पीछे। तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात कर। दीदी परेशान मत होना, मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी रखना। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। बेटी बेटी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। उसके साथ कुमार है, वो जल्दी घर वापस आ जाएगी, तू चिंता मत कर। चुप हो जा बेटी। कस्तूरी, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। नट्टू पास में है तो उसे फोन दो। हाँ बोल। हाँ समझ गया। देखो भारती, ये रोने का वक्त नहीं है। पक्की खबर है ना? मेरे घर पर मैंने नटीस को देखा। ए हाथ, कहाँ है वो? कहाँ गए? यहीं तो थे। बता कहाँ है वो? वो रे, पीछा करो। सुनो कस्तूरी, तुम गांधी चौराहे पर आ जाओ। हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ, उस तरफ चलो। चलो जल्दी चलो। आजा। ठीक है आजा आजा। चला तेज, चला डर मत, आजा आजा। तेज और तेज, जल्दी आओ। जाओ जाओ। क्या हम पूरी जिंदगी इसी तरह से भागते रहेंगे? अगर हम मुकाबला करेंगे ना तो ही दुनिया में टिक पाएंगे। ए, रुक क्यों गया? जल्दी चलना। कहां जाऊं? कहां जाऊं? वो हमारा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम भाग रहे हैं। भागकर हम कहीं और जाएंगे, वो वहां भी आ गए तो? Thank you.
अगर और पास आए तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किसका भाई? कुमार, कुमार, कुमार से और कुमार, हाँ? मार पड़ने पर भाई याद आ गया तुझे? हाँ? अगर चाहूं तो तुम सबको यहीं पर खत्म कर दूं। घिन आती है मुझे। कुमार, 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 नहीं, नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, छोड़ दो। तुमने कभी मुझे खुशी से रहने नहीं दिया। मेरी माँ को पागल बनाकर तुमने घर से निकाल दिया, मेरे दादाजी को मार दिया, और अब मुझे मारना चाहते थे। यही चाहिए था ना तुम्हें? यही चाहिए था ना? ये लो। अरे अगर पहले कह दिया होता ना तो सारी जायदाद मैंने तुम लोगों के नाम कर दी होती। अरे जहां कहते वहां अंगूठा लगा देता। ए, यही रहूंगा मैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा। अगर तुम लोगों ने फिर से टांग अड़ाई तो तुम सबको यही गाड़ दूंगा। सुन लिया ना? एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग सर। आप दोनों की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी हड्डियां टूट गई हैं। इनको जोड़ने में 6 महीने तो लग जाएंगे। कॉल फॉर दवाई सर, कुमार के रिश्तेदार हैं इसलिए आपको सर्विस चार्ज फ्री।